हे गाइस, ऐसे प्रॉमिस दैट आई विल मेक बियर वीडियो नेक्स्ट टू द ट्यूजडे ऑफ द एमपी वीडियो, बट आई डिडंट, आई डोंट नो व्हाई, बट आई डिडंट. ओके, सो टुडे इन बियर वी आर गोइंग टू लर्निंग सम टिप्स टू डॉच बुलेट इन बियर. इट मे हेल्प यू. ओके, दिस वीडियो इज फॉर एवरेज प्लेयर who can do clutch in a solo versus squad. Okay, before that, starting the video, I just want to tell you that I am announcing I just announced a giveaway at my previous video. If you didn't know about giveaway, see that video. Okay, link will be in description, and subscribe to my channel if you haven't yet, and share this video and tell your friend to subscribe or make other account and subscribe to it. It will really help me. So yeah, let's start. So in this method, you have to slide and slide. See this clip. So yeah, there is not more because I just only record like this. Okay. So that would help if to dodge a bullet if you don't have any weapon or ammo, and if you have any knife or axe, just slide and get close to enemy. But notice that you are not in the aim, means in the bottom of the crosshair of the enemy, because if you are bottom or side of crosshair, enemy could easily deck the crosshair and kill you. To practice for that, you can go to training ground and only slide left and right, and after practicing a lot, you can just slide this in the warm-up, means the counter section in battle royale. Jump and hip fire is very effective in close range, especially when you are doing a solo versus squad clutch. अगर आप स्कोप खुल के रखोगे तो एक उसका टीम मेट आपको पीछे से या राइट लेफ्ट से कहीं से भी आपको मार दे सकते हैं, इसलिए एवर होने के लिए आपको हिप फायर करना जरूरी है. एंड हिप फायर में बहुत एक्यूरेसी होता है, मतलब हिप फायर को आप मतलब बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो. हाँ, फर्स्ट में थोड़ा बहुत तकलीफ आएगा, लेकिन फिर भी कर सकते हो. देन आई ऑन साइड बिकॉज आई फाउंड इजी. एंड आफ्टर सीजन 12 मीन्स आफ्टर सीजन 13 आई फील दैट हिप फायर बहुत बफ भी हुआ, ऐसे कि पार्कर द सेलर भी कहा था. सो अब जंप की बारी आती है, मतलब जंप एंड हिप फायर. ओके, फॉर एग्जांपल आपको फील हो रहा कि आप उस गन फाइट को लूज कर सकते हो, मतलब हार भी सकते हो. सो इसके लिए आपको पहले उसका अगर क्रॉसिंग में हो तो स्लाइड करो, एंड देन जंप एंड शूट, मतलब सिर्फ नॉट ओनली जंप एंड शूट, मतलब जॉयस्टिक को भी एक जंप किया और राइट में दिया और एक जंप किया लेफ्ट में दिया, इसमें एनिमी को भी कन्फ्यूज होगा. एंड अब अगर आप चाहते हो कि स्लैक करने के लिए, क्योंकि आप वीडियो कर रहे हो, मतलब एक पार्क होता है उसमें क्या होता है, स्लैक करके यूज कर सकते हो. अगर आप वो भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्लैक करो, यूज करो, देन फिर से जंप एंड शूट कर सकते हो. एंड अगर आपको जंप एंड शूट मतलब जंप बहुत किया लेकिन और जंप नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप सो जाओ, मतलब क्या बोलो, ड्रॉप शॉट करो फिर स्लाइड करो, मतलब ड्रॉप शॉट करो फिर कुछ मिली सेकेंड के बाद आप दो बार क्रैच बटन को क्लिक करो, देन स्लाइड करो, फिर आपका फिर से जंप एंड शूट वर्क करेगा. आप में से बहुत लोग का जो वीडियो इस वीडियो में क्लिक किए थे, आप में से बहुत सारे लोग का टीम, मतलब कोई दोस्त या टीम होगा. ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव अ डुओ फ्रेंड, हाँ, हु इज रसल एंड यू सपोर्ट हिम.
ओके सो अगर आप भी उसके साथ मतलब पीछे पीछे रस करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा शॉटगन लेने के लिए। अगर वो शॉटगन भी ले फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा शॉटगन लेने के लिए, क्योंकि आप वो भी रस करे तो अगर वो मर जाए तो ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ जो डैमेज एनिमी को देगा, और अगर दे दिया तो आप एक शॉटगन से आप मार दोगे तो अंधिया शॉटगन एक यूज करना, क्योंकि अगर आप स्लाइड प्रैक्टिस ठीक से नहीं किया तो आप एक यूज करो। और आपको मतलब हेडशॉट मारना आता है स्लाइड करके तो आप कोई केएम ले लो, क्योंकि केएम में एक हेडशॉट वन शॉट होता है। ओके एंड फॉर एग्जांपल यू आर मींस आपको लॉन्ग रेंज में किल करना पसंद आता है और आपका फ्रेंड क्लोज रेंज में, तो आप स्नाइपर में ले लो। ओके मतलब आप उसका कोई सपोर्टर नहीं हो, अगर वो मर जाए तो फिर आप उसका डॉक्टर को ले लो, ऐसा कुछ सीन हो तो आप मतलब स्नाइपर ले सकते हो। अगर आपको मतलब स्नाइपर अच्छे से चलाना नहीं आता तो आप FMG चला लो, या इस कोई सेकेंडरी ओपन मतलब ऑटो गन ले लो या SMG। ओके और इसके लिए मेरे पास कुछ मतलब कुछ का कोई भी क्लिप नहीं है, इसलिए मैं दूसरी यूट्यूबर का क्लिप ले रहा हूँ। एंड आप उन लोगों को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके सो एज यू सो इट्स एक्चुअली हार्ड, yeah believe me it's hard and I can not even do perfectly, so I use other YouTuber clip. Okay I will give the link in description. Okay subscribe him. Okay and I will advance for you, but it is more harder. Okay and it will work if you have trickster and there is more in me. Okay and you can use this when you don't have any cover. Okay now let me explain what is that. जब आप मतलब स्लाइड करने वाले हो उसके स्लाइड करने के एक मिली सेकेंड के पहले ही आप दिखते यूज कर लो। ओके या फॉर एग्जाम्पल आप हेलीकॉप्टर में जैसे इस वाला में था, हेलीकॉप्टर में जंप आउट करके दिखता लगा लो और फिर एक चीज करो, इसमें क्या होगा आप एनिमी को इजीली हार दे सकते हो। हाँ अगर आपको टिक्स्टर नहीं है तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको बार बार करना पड़ेगा। ओके सो ए वाला ट्रिक तभी काम आएगा, मीन्स तभी यूजफुल होगा जब आप एनिमी का क्रॉसियर के अंदर हो। ओके क्रॉसियर जो मतलब बॉटम में जो एम होता है ना एनिमी का, उसका अंदर में हो आप तभी काम आएगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू डू दिस। देख लो एक एनिमी कैंप कर रहे हैं एंड आप उसका फुल एम का अंदर हो एंड आपके आप व्हाट यू आर जस्ट नीड टू डू इज टू स्लाइड एंड शूट एंड यू इफ द एनिमी इज प्रो देन ही मे डैश इज इन एंड किल यू and for that we are talking slide and clip. See this clip. Watch you. It's like shoot and slide and again shoot. And yeah, this is all for today.